आज हमारे साथ हैं विकास ठाकुर। विकास जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो है भारत के मेडल की टैली में एक और मेडल जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये तो अच्छा आपको लग ही रहा होगा, पर क्या फीलिंग आती है जब आप जो है वहाँ पे वेट उठाते हैं और आपको जब ये पता लगता है कि आपके हाथ में अब मेडल आ चुका है? काफ़ी मतलब बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं आपको नहीं बता सकता कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता, काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि अपने देश के लिए मेडल जीते। और मेरी नज़र में जितने यहाँ प्लेयर आए हैं, किसी का मेडल आया है नहीं आया, लेकिन जितने भी इंडिया से यहाँ खेलने आए हैं वो सभी मतलब बधाई के पात्र हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि 140 करोड़ का देश है हमारा, उसमें से इतने बड़े मेजर टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो पोडियम फिनिश करे। और मैं लकी था, मैंने अपना बेस्ट किया और रिजल्ट मेरे फेवर में गए और मैंने पोडियम फिनिश किया। मैं काफ़ी खुश हूँ, घर में काफ़ी अच्छा माहौल है, टीम में काफ़ी अच्छा माहौल है। चक, जब आप घर की बात कर रहे हैं तो जीतने के बाद जब आपको मेडल जब आपके हाथ में आ गया तो सबसे पहले किससे बात की आपने? मैं लिफ्ट अपनी करके आया था तो पापा का वीडियो कॉल आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले पापा से बात की। और जिस दिन मेरा मेडल आया उस दिन मम्मा का मेरा बर्थडे था 2 अगस्त को, तो फिर मैंने मम्मा को वो अपना बर्थडे की वो मतलब अपना जो मेडल था वो मम्मा को बर्थडे गिफ्ट में रिप्रेजेंट किया, उनको डेडिकेट करता हूँ। एक माँ के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि उसका बेटा जो है देश के लिए मेडल ले आए उन्हीं के जन्मदिन पे। पर विकास, ये बताइए, जैसे कि जिस तरीके से आप जो है काफ़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेल चुके हैं, तो एक जो इनिशियल स्टार्ट होती है तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल होता है, कुछ उस स्ट्रगल के बारे में आप बताना चाहेंगे? स्ट्रगल सर ऐसा है कि लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, चाहे कोई भी है जो हमें देख रहे हैं, कोई भी है, वो हर लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है। लेकिन स्पोर्ट्समैन अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो उसमें आपके अप डाउन चलते रहते हैं। जैसे मैंने 159 स्नैच की थी 2018 में, अब मैंने उसके बाद मैंने आज मतलब कल जो मेरा कंपटीशन मैंने 155 किया, अपना बेस्ट किया, तो मेरी इंजरी थी तो स्ट्रगल चलता रहता है सर। और इनिशियल जब मैंने स्टार्ट की थी शुरू के दिनों में तो घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मैं 9 साल का जब मैंने वेटलिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी तो ऐसे घर से कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, घर से ठीक थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी जो चलता रहता है स्पोर्ट्स में अप डाउन चलते रहते हैं, कभी आप अच्छी फॉर्म में होते हो, कभी बुरी फॉर्म में होते हो, तो वो सर इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ सर, चलता रहता है। लेकिन अब काफ़ी एक चीज़ आपसे हम ये बोलना चाहेंगे कि बहुत हमारा जो यूथ है, हमारे पास देखिए हमारा यूथ बहुत बड़ा है, पर बहुत लोग डरते हैं कि हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो स्ट्रगल से जो थोड़ी स्ट्रगल को देख के जो डर एक बना हुआ है तो उसको वो कैसे तोड़े? यूथ का मेरा यही मैसेज है कि जो हमारी बॉडी है स्पोर्ट्स, तो वैसे ही अगर जैसे एज ए प्रोफेशन से मैंने चूज़ किया या और लोगों ने चूज़ किया, आज मैं आपके सामने इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे देश देख रहा है, देश ने बहुत बधाइयाँ भी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने ट्वीट किया, काफ़ी प्राउड फील होता है। मेरा यही मैसेज है सबको कि अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करना चाहते तो कम से कम 1 घंटा अपने पूरे दिन में अपने शरीर के लिए जरूर निकालिएगा, ताकि आप फिट रहो और हम जो हमारा यूथ है भारत के लिए कुछ बढ़िया कर सके। फिटनेस के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बहुत सारी बातें कहते हैं, क्योंकि हम भी वहीं से आते हैं जहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं, बनारस से, तो वो काफ़ी योगा को लेकर, फिटनेस को लेकर काफ़ी सारी बातें कहते हैं। पर आप ये बताइए कि एक कोई गैप जो बच जाता है बीच का, उस गैप को कैसे भरा जाए, जो एक फिटनेस और एक स्पोर्ट्स का जो गैप रहता है? सर फिटनेस तो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में फिटनेस तो हर बंदे को जरूरी है, फिटनेस से आपका जो वे ऑफ लिविंग है आपका वो अच्छा जाता है, आप औरों से ज़्यादा फिट रहते हो, स्ट्रांग रहते हो, और आपको जो आप नॉर्मली जो काम करते हो उसमें भी आप बढ़िया परफॉर्म करते हो, आपकी लाइफ बढ़िया रहती है, फिट रहते हो, बीमारी नहीं होती कोई। तो अभी हमारे जैसे हमारे देश में चल रहा है, काफ़ी इनिशिएटिव चलाए प्रधानमंत्री जी ने योगा को लेकर, योगा का मतलब आई थिंक इंडिया ने देन दिया योगा की पूरे विश्व भर में, यहाँ इंग्लैंड में योगा टीचर का बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब काफ़ी अच्छी उनकी सैलरी है, तो सही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बंदा जो भी, मैं भारत का जो युवा के साथ ही देश चलता है, युवा शक्ति जो वही देश चलाते हैं, तो मैं उनको मेरा यही मैसेज है कि वो प्लीज़ अपने आप को फिट रखें, और स्पोर्ट्स नहीं तो कम से कम अपने 1 या 2 घंटे अपने शरीर के लिए जरूर निकालें पूरे दिन में। हमसे बात करने के लिए विकास बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम और ज़्यादा मेडल जीते, और इस 15 अगस्त में जब हम अपना झंडा फहराएं तो हमारे साथ ये भी एक हम इस बात पे प्राउड करें कि इस बार के ओलंपिक अरे कॉमनवेल्थ में हम बहुत सारे मेडल जीत के आए। जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है गौरव द्विवेदी, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।